बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन फिलहाल बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखने के साथ ही समाज सेवा का हिस्सा बन वे बतौर सेलिब्रिटी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती हैं। आजादी के 72वें साल पूरे होने पर रवीना कहती हैं कि हमें आजादी का जश्न एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मनाना चाहिए। इस पर रवीना ने मुंबई से टेलीफोन पर INS के साथ आज बातचीत में कहा, आजादी का जश्न तो हमें हर रोज मनाना चाहिए और साथ ही हमें उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए जो सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मना पाते हैं, अपने घरों में खुशी से जी पाते हैं। हमें उनका आभार जताना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई है। यह एक दिन है जब हमें आजादी के लिए पूरी तरह से हमारे सैनिकों को धन्यवाद कहना चाहिए। रवीना टंडन उन गिनी चुनी बॉलीवुड हस्तियों में शुमार हैं, जो ट्रोल्स और आलोचना की परवाह न करते हुए बतौर सेलिब्रिटी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती हैं और बेबाकी से विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा करती हैं। रवीना स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, जो गर्भवती महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी के कारण उनकी संतान में होने वाले स्पाइना बाइफिडा विकार के प्रति जागरूकता फैलाता है।